गड्ढा देखते हैं। सर पुलिस मोटिवेट हुई है, क्या है मामला, कितने बदमाशों पे बोली है और क्या इतिहास है? ISSP बुलंद शहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किए जा रहे क्रम में आज थाना रनिया की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मतकुला के जंगल में कुछ अपराधी मौजूद हैं जो संभवतः गोकशी का काम कर रहे हैं, जिस पर थानाध्यक्ष नेतृत्व में पुलिस टीम मतकुला गांव पहुंची और वहां पर उन्होंने बदमाशों को टोका, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको ललकारने पर पुनः फायर किया गया, जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फायर किया। क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं जिनके पैरों में गोली लगी है, उन्हें हिरासत में लेकर इलाज हेतु USCSC भेजा गया है। उनसे घायल अवस्था में पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन पर, जिसमें से एक बदमाश पर 15,000 का इनाम है और उन पर विभिन्न थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक अपराधी के बारे में जिसने बताया कि वो लगभग 15 से 20 बार जेल जा चुका है। उन तीनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी और छानबीन की जा रही है और मौके पर फील्ड यूनिट और आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है।